रखा होगा लिखते हैं ऊपर ही रखा होगा टेबल में। पहले सुन लीजिएगा, देखिए जैसे अब हम लोग कंपटीशन में जब आ गए हैं तो आपको सोचना होगा कि घर पे जब भी हम वर्क कर रहे हैं ना, तो जैसे हम एक घंटा वर्क कर रहे हैं तो उसको ऐसा कन्वर्ट किया जाए कि 2-3 घंटे में हो जाए। जैसे बहुत सारा लड़का पढ़ता है, बहुत सारा लड़का 4-4 घंटा प्रतिदिन पढ़ता है, एक एवरेज मान लीजिए, तो आपको कोशिश करना है कि उसको हराना है हमें, तो हम 3 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो उसके बराबर कर दें। बात को समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे UPSC जो तैयारी करता है BPSC का, उसके लिए 8 से 10 घंटा सफिशियंट माना जाता है, तो 10 घंटा पढ़ के BPSC लाता है लोग, तो 10 ही घंटा नहीं 15 घंटा भी पढ़ने वाला लड़का है, 15 घंटा भी पढ़ता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो कोशिश करना है कि कम पढ़ना है और उसका गेनिंग ज़्यादा होना चाहिए। कि जो लड़का एक जो जनरल होता है, बात मत कीजिए, जनरल लड़का जो है जैसे मान लीजिए कि 5 घंटा वर्क करता है, तो हम 2-3 घंटा करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो कहने के मेरा मतलब ये था कि जैसे हम लोग क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जितने देर में आप लिखेंगे ना उतने देर में 5 को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन मेरे पास है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे किसी के पास बुक नहीं है तब थोड़े देर के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बुक तो सबके पास होना चाहिए अब, और हो भी गया है ऑलमोस्ट लोग के पास, तो इस बुक से ही बनाइए बेहतर होगा। नंबरिंग दे दीजिए, अगर डाउट लग रहा है कि हम भूल जाएंगे तो उसका नंबरिंग दे दीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और एक चीज़ और, घर पे जाइए ना तो जैसे पुराने वीडियो आप लोग छोड़ देते हैं, जैसे 1 नंबर का जो एवरेज है उसको 1-2 बार और देखिए। जैसे पहले बार तो नॉर्मल स्पीड रखिए, फिर 1.25 कर लीजिए, फिर 1.5 कर लीजिए, 1.75 कर लीजिए, जब 2 पे आप देखना सीख गए ना तो समझिए उस दिन आपका मैथ सब आ रहा है। जब 2 पे आपकी स्पीड है, कहने का मतलब अभी जस्ट बोले हम आपको कि जो लड़का 4 घंटा मेहनत कर रहा है, हम 2 घंटा मेहनत करके उसके बराबर कर सकते हैं। कब? जब कंसंट्रेशन मोड में रहेंगे तब। तो जो लड़का ये क्वेश्चन लिख के बना रहा है उसको नहीं भी तो 1 घंटा समय लगता है, तो हम 10 मिनट में इसको कर देंगे बराबर। तो क्वेश्चन मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसे लगता है बहुत लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील होता है, कॉपी भरता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं करना है, ये देखने के लिए तो कोई काम ही नहीं है बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। सामने आपके GD आ रहा है, जो लोग GD का फॉर्म भरेंगे 25,000 बाली आ रहा है ना, तो उस पर वर्क कीजिए। GD एकदम ईजी है, इसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है? उसके सामने मतलब हम लोग का ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ बनाए रहिएगा एकदम फोकस। देखिए हाँ आएगा, एकदम आएगा। अभी जैसे आप बहुत लड़के को ये आंसर आ गया, ठीक है आंसर आ गया, अब क्या करेगा? इस पर ध्यान ही नहीं देगा, हम बताएंगे तो लगा अरे यार हमको तो आ गया, लेकिन नहीं, आपको फोकस देना है। अगर 2 सेकंड भी हम आपका बचा दिए अब तो काम हो गया। अच्छा यहाँ ला के आंसर फास्ट कौन दिया? हम ही ना दिए हैं। तो अब क्या है कि इसमें 2 सेकंड और बचा लिए और फास्ट हो गए। तो ध्यान दीजिए, एक क्लास में 15 गो विद्यार्थी है, एक क्लास है और उसमें 15 स्टूडेंट है और उसका एवरेज भार 1.5 kg बढ़ जा रहा है, हो नहीं जा रहा है, तो ये अपने आप बढ़ा होगा? नहीं, कुछ एक्सचेंज किया गया है। जो 15 स्टूडेंट है उसका कुछ एवरेज होगा, अब उसमें क्या किया, एक्सचेंजिंग किया होगा, तो 1.5 kg
यानी कि एक्सचेंजिंग 1.5 kg बढ़ने का मतलब हुआ कि जो आया है ना वो ज़्यादा लेके आया, तभी बढ़ा है एवरेज। यहाँ लिख देता कि घट गया, इसका मतलब आने वाला कम वेट का आया। ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। अब कह रहा है कि जब एक 40 किलो के स्थान पर एक नया विद्यार्थी, यानी कह रहा है कि 40 किलो वाला जा रहा है और उसके जगह पर एक नया, अगर 40 केजी वाला जाता और 40 केजी ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 40 केजी वाला जाए और 80 केजी वाला आ जाए तो मेरा एवरेज बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना। तो अभी तो ये बढ़ा है यहाँ पे, देखिए। तो अब ध्यान दीजिए, 40 केजी वाला गया और एक आया, तो आने के कारण एवरेज में 1.5 यानी कि एक में 1.5 केजी बढ़ रहा है, तो 15 में कितना बढ़ेगा? 22.5। देखिए 15 × 1.5, यही ना है, कल भी सिखाए थे इसको। क्या करना है, 15 × 1 = 15, अब 15 का आधा 7.5, तो 15 और 7.5 22.5, यानी कि 22.5 केजी बढ़ जाएगा। तो जाने वाला 40 केजी का, आने वाला 22.5 केजी ज़्यादा, तो 62.5 है ना। देखिए क्या कह रहा है, देखिए बात मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगी रही है 15 स्टूडेंट है। इस 15 स्टूडेंट का एवरेज नहीं हमको बताया है कि इसका एवरेज क्या है, लेकिन इतना बता दिया है कि इसमें से ये वाला बाहर जा रहा है और कितना केजी वाला जा रहा है, 40 केजी वाला, ये बाहर जा रहा है और इसके स्थान पे एक नया इधर से, तो अभी भी 15 है वो बचा, 15 वो था, एक गया एक आ गया, तो 15 ही रहा। अब 40 केजी वाला गया और उसके स्थान पर एक आ गया, तो एवरेज कह रहा है कि 1.5 केजी बढ़ गया, 1.5 केजी बढ़ गया होगा, मतलब ये भी 1.5 केजी बढ़ा होगा, ये भी 1.5 केजी बढ़ा होगा, और इस तरफ 15 और 1.5 केजी ने बढ़ गया होगा। धीरज, 15 और 1.5 केजी ने बढ़ा होगा, किसके कारण बढ़ा? ये नया वाला इधर से आया है, इसी के कारण बढ़ा है, यानी कि आया है ना तो ज़्यादा लेके आया है। तो एक लड़का कोई कितना दे रहा है, 1.5 रुपया, तो 15 लड़का को देगा 22.5 रुपया, यानी कि ये जो आया है जाने वाला से 22.5 केजी, तो ये गया है 40 लेके, 22.5 ज़्यादा लेके आया, तो 40 और 22.5, 62.5, ये देखिए CPO में आया हुआ है सही में। आगे देखिए, ये बहुत ही फास्ट होगा, बहुत खाली समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 15 विद्यार्थी है, 1.5 केजी बढ़ गया, 15 × 1.5 होता है 22.5, यानी कि 22.5 केजी बढ़ गया, 40 केजी वाला गया 22.5, 62.5, क्लियर है। आगे देखिए, चलिए ये देखिए 2012 का है, हाँ बनाने दीजिए सबको, पेन मत चले, एक बार आठ बजे जहाज है, 1.5 को बोल रहा है, तो 12, 12, 12, 12, 60 बहुत हो, बहुत तो सर के नज़र पर चढ़ गया, मैंने थोड़ी बदमाशी कर रहा है। चलिए देखा जाए, कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया? आप दोनों पीछे आ गया है,
चलिए देखिए, कह रहा है कि 8 जहाज कर्मी है। अब जहाज कर्मी क्या है, मान लीजिए कि 8 लड़का है, 8 स्टूडेंट है, और इसकी वजन जो है 1.5 kg बढ़ जाता, अभी भी 1.5 kg बढ़ा था। याद कीजिए, 8 डेढ़ वाला था, 12 बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, एक लड़का में 1.5 बढ़ रहा है, तो 8 लड़का में कितना बढ़ेगा, 12। 8 गुना का 1.5, तो 8 गुना 1 = 8 है, 8 का आधा 4, तो 8 × 4 = 12 kg बढ़ जाएगा। अब आइए, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन है 60 kg, ये क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया आ जा रहा है, तो एक गया एक आ गया, तो नंबर में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, लेकिन एवरेज बढ़ गया कितना, 1.5 kg। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि जाने वाला से आने वाला ज़्यादा आया है, कितना ज़्यादा आया है, तो 12 kg ने ज़्यादा, एक लड़का 1.5 kg, तो 8 लड़का, तो 12 kg इसमें डाल देंगे तो 72 ना, 72। देखिए क्या कह रहा है, इस बार समझते चलिएगा, इसको दिमाग में फिगर को बनाना है, जो यहाँ हम नोट कर रहे हैं ना, उसको फिगर को दिमाग में लेना है। जैसे 8 लड़का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बात मत कीजिए, शांति बनाए रखिए एकदम। अभी 8 लड़का है, इस 8 का एवरेज नहीं दिया है, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं दिया था, लेकिन कह रहा है क्या कि इसमें से ये वाला स्टूडेंट, लास्ट वाला स्टूडेंट, ये वाला बाहर जा रहा है, कितना केजी लेके, 60 kg लेके ये बाहर जा रहा है, और इसके स्थान पर एक नया आ रहा है, इसके स्थान पर एक नया आ रहा है, तो इसके बाहर जाने और इसके आने से एवरेज जो है 1.5 kg बढ़ जा रहा है, 1.5 kg बढ़ जा रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, ये नया वाला के कारण। तो ये क्या किया, एक लड़का को 1.5 बढ़ाया, एक लड़का को, तो 8 लड़का को कितना बढ़ाएगा, 8 × 1.5 = 12 रुपये होता है, तो 60 गया, 12 ज़्यादा लेके आया, तो 60 × 12, ये भी देखिए 2012 LDC में आया हुआ, समझ में आ रहा, चलिए इसको बनाइए आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं, बताते हैं। ऑफ नहीं, ऑन है, थोड़ा ना महंगा दे, सर 59 ये 2012 में ये भी आया हुआ है, 2012 में ये भी आया हुआ है, देखिए ध्यान से, इस बार बोल रहा है क्या कि 12 नाविक, 12 आदमी है, और इसका वजन इस बार 1/3 kg बढ़ रहा है, पिछला दोनों क्वेश्चन में 1.5 kg बढ़ता था, लेकिन इसमें कितना कर रहा है, 1/3 kg बढ़ रहा है, एक में 1/3 kg बढ़ रहा है, तो 12 गो में कितना बढ़ेगा, 12 अगुना का 1/3 काट देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ये स्टेप आपको नहीं करना है, ये मन में कर सकते हैं, बहुत छोटा पार्ट है, तो इतना समझ में आ गया कि 4 kg बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि कोई गया होगा और उसके जगह पर कोई आया होगा। जब एक नाविक 55 kg वाला के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, क्या कह रहा है,
कि 12 गो नाविक है, उसमें से एक नाविक 55 केजी वाला गया और उसके स्थान पर एक आ गया, तो आने से 1/3 केजी एवरेज बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, एवरेज बढ़ा है। तो एक में 1/3, तो 12 में 12 गुना 1/3, तो कितना बढ़ेगा, यानी कि जाने वाला से आने वाला 4 केजी, तो जाने वाला है 55 केजी का, तो आने वाला 4 ज़्यादा लेके आएगा, तो 55 और 4 50, कहाँ दिक्कत है था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन जो हम यहाँ पे अब खींचेंगे ना, ये आपके दिमाग में फिगर उसी से आया है, एकदम दिखेगा क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आंसर बोलिए, धीरे धीरे एकदम आराम आराम से चलना है। चलिए देखा जाए, देखिए कर रहे क्या कि 15 गो नाविक है, शांत हो जाइए, 15 गो नाविक है, 15 गो आदमी है, और इसका कह रहा है कि औसत जो है 1.6 केजी बढ़ रहा है। 1.6 केजी का मतलब 1 किलो 600 ग्राम, तो एक में बढ़ रहा है ना, तो 15 लोग में कितना बढ़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, 15 गुना 1.6, यही ना, ये 1.600 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलो 600 ग्राम बोल सकते हैं ना, तो 15 गुना 1 15 केजी, अब 15 × 90 9000 ग्राम, 15 × 90 9000 ग्राम, 9000 ग्राम का मतलब 9 केजी, तो 15 केजी यहाँ से, 9 केजी यहाँ से, 24 केजी बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 42 केजी वाला गया और उसके बदले में एक नया, तो 42 केजी गया और उधर से 24 केजी ज़्यादा लेके आ रहा है, तो 42 और 14 देखिए इसको, पंद्रह नाविक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से बात मत कीजिए, इसमें से एक जो है, एक ये एक लास्ट वाला, ये कोई भी एक हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही होना चाहिए, कोई भी एक जाए, तो हम लास्ट वाला को बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, कितना केजी लेके जा रहा है, 42 केजी, और इसके जगह पर उधर से एक लड़का और आ जा रहा है, इसके जगह पर एक लड़का आ जा रहा है, तो इसके आने से एवरेज जो है 1.6 केजी बढ़ जा रहा है, यानी कि जो आया है भारी भरकम है तभी तो बढ़ाया। अच्छा, अब एक लड़का में वो 1 किलो 600 बढ़ा रहा है, तो 15 लड़का में कितना बढ़ाएगा, तो 15 गुना 1.6, तो देखिए ये हो जाएगा 15 केजी, आई 15 × 90 9000 ग्राम, 9000 ग्राम, इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 9000 ग्राम मतलब कि 9 केजी, तो 15 केजी 9 केजी, यानी कि जाने वाला से आने वाला 24 केजी ज़्यादा लेके आया है, तो गया है 42 केजी और उधर से 24 केजी ज़्यादा लेके आएगा, तो 42 और 24, ये देखिए CGL टायर 1 2015 में आया, और ये बहुत फास्ट बना है, कहीं टाइम ही नहीं लगना है इसमें, अगर क्वेश्चन पढ़ने के साथ देखिए आंसर नहीं आता है, 15 गुना 1.6 15 9 24 24 42 में 24 जोड़ दिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
एकदम आराम आराम से चलना है। बनाइए सर। 50 बोलिए 50। पेन भी चला रहे क्या? नहीं दम नहीं चला रहा, दम मत चले। दम नहीं चलाना। देखिए कल भी बताए थे कि ये 0.75 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 750 ग्राम, 75 ग्राम मत बोल लीजिएगा। और ये गलती बहुत लोग करता है, ध्यान रखिएगा। ये 0.75 का मतलब वो बोल देता है 75 ग्राम, इन 75 ग्राम नहीं है, 750 ग्राम है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम यही था, ठीक है। तो 20 गो विद्यार्थी है, टोटल 20 स्टूडेंट है, और इसकी औसत वजन है 750 ग्राम में बढ़ जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि एक्सचेंज किया है ये, तभी तो बढ़ा है। और बढ़ा है इसका मतलब ये भी पता रहा कि जाने वाला कम गया होगा, आने वाला ज़्यादा लेके आओ। जब एक विद्यार्थी की वजन 35 केजी है और उसके स्थान पर एक नया प्रतिस्थापित आ जाता है, तो इतना तो पता होगा कि आंसर जो होगा वो 35 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ये नहीं होगा। अभी कहिए कि इसका क्या काम होगा, ये वो तो हटाए, बहुत काम आएगा ये आगे जब कंसेप्ट ये टेढ़ा तैयार करेगा तो ऐसे ही हटा देंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए 20 गो में 750 ग्राम, 750 ग्राम बढ़ा होगा ना, तो ध्यान से देखिए इसको इंटू जो करना है, ध्यान से रखिएगा। तो देखिए ऐसे 20 गुना 750 यही ना करेंगे, यही चीज को आपको लिखना नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो लिखे 20 गुना 750, ये लिखा हुआ है यहाँ 20 गुना 750, अब क्या है ये ग्राम में आएगा, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ या ना। ये 20 गुना 750, इसको इंटू भी मत कीजिएगा, अभी बाद में करेंगे। 20 गुना 750 बटा का 1000। अब आपके दिमाग में ये बात तो आ गया होगा ना कि ये 0 0 तो को ये कट जाएगा, तो ये चीज जैसे ही 20 गुना 750 बटा 1000 आया, तो आपको पहले तो ये दोनों जीरो नहीं लिखना था, ये दोनों जीरो नहीं लिखना, लिखना भी था तो बस इतना ही लिखना था। आप मन में कर सकते हैं इसको, यहाँ 20 है, यहाँ 750, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ खत्म किए, और दो जीरो नीचे भी उससे खत्म हो गया। अब कहिएगा इसका क्या है, चार को जीरो लिखने में समय नहीं लगता है क्या? लगता है, अभी भी नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको 75 गुना तो 150 रुपये को जीरो मिलेगा ना, इस जीरो को भी नहीं लिखते, यानी कि 15 केजी बढ़ जाएगा, तो गया है 35 केजी, 15 केजी ज़्यादा लेके आया है 50 के। देखिए फिर से एक बार, सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट था कि क्या इसको आप फास्ट कर सकते हैं, बस ये इम्पोर्टेंट था, बाकी कंसेप्ट हम लोग के पास था।
तो इसको जैसे ही लिखेंगे तो 20 गुना 750 बटा का 1000, तो 20 में से एक जीरो गया, 750 में से भी एक जीरो गया, तो नीचे का दो जीरो गया, एक जीरो बच गया। अब 2 गुना 75 150 में एक जीरो बचा हुआ था वो भी गया, तो कितना बढ़ गया 15 और 35। लेकिन एक लड़का का हाथ नहीं उछलता है, जब पेन चलते रहता है ना उसको, तू मानेगा नहीं, बहुत तेज लिखेगा ऐसे ऐसे, 2 0 2 0 150 10 1 0 उड़ा देगा, अब बोलेगा 15। लेकिन ये आप समझिए, कितना भी स्पीड देगा वो हम लोग का मुकाबला कर ही नहीं सकता है, कितना भी वो हाथ तेज चला ले, होगा कभी नहीं होगा। नैनो गाड़ी का मुकाबला BMW का, दोनों में अंतर नहीं है, कितना भी उसका वो कान नहीं ठेले कुछ भी नहीं होगा उसके आगे। हाँ देखिए इसको, नहीं ज़्यादा स्प्लेंडर प्लस का बहुत बाइक तेज चले तो आगे वाला पोर्शन ऐसे ऐसे करने लगता है, नहीं करता है, की है ना आप। हाँ 85 बोलिए पीछे, वहाँ आ रहा है आप समझ में, ऑब्सेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा पीछे दोनों, क्लियर है। चलिए देखिए हिमांशु ध्यान से, 25 गो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, और 1 kg बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? औसत, ध्यान रखिएगा औसत बढ़ाने की बात कहा है, तो इतना तो अब तय होगा कि एक गया एक आया है, या दो गया दो आया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज हुआ है। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसका वजन कितना है बाहर जाता है और उसके स्थान पर एक विद्यार्थी आ जाता है, तो ये तो जाने वाला 60 kg का ना, और आने वाला वो ज़्यादा लेके आया है, तो एक को 1 kg दिया है तो 25 लोग को, तो 25 kg लेके आया और 60 kg जो लेके गया था उसको ही आया, तो 60 और 25 85। अब इसमें टाइम क्या है ना, क्वेश्चन पढ़िएगा आंसर आएगा, अब लगे ऑप्शन कोई किधर है जल्दी बोलो, तब यहाँ इतना आंसर बहुत फास्ट आएगा, अब ऑप्शन खोजने में टाइम लग रहा है, तो अब उसमें भी ध्यान रखना है। देखिए अब जैसे एक लड़का अब खोज रहा है ना 85, जैसे बहुत बहुत फास्ट हम बता रहे हैं, माइनर पॉइंट 1 सेकंड में बचा लिया ना, तो बहुत आगे चले जाएंगे आप कंपटीशन में, क्योंकि हम लोग इतना ही विद्यार्थी तो एग्जाम नहीं ना दे रहे हैं, लाखों करोड़ों में जा रहा है लोग, तो समझना पड़ेगा 1 सेकंड से भी जितना बहुत मायने रखता है, और जीत जीत होता है, जैसे आर्मी का रैली जब होता है, क्या 5 सेकंड से कोई नहीं हारता है, 2 सेकंड से भी हारता है, 2 सेकंड आगे आ जाएगा ना, ऐसा फील करेगा स्वर्ग में आ गए, नहीं जीत गए, तो यहाँ भी वही फील लेना है कि 1 सेकंड बचाना है। जैसे अब 85 आया था हम लोग का आंसर, तो एक लड़का इसको 85 खोज रहा है, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस है एक लड़का, वो जान रहा है कि लास्ट में 5 है ना, खाली 5 देखो ना एक में था, उसको 5 दिख जाएगा जल्दी, तो फिर पूरा वर्क कर लेंगे, पूरा देख लेंगे। 85 तो बोल चुके थे ना, तो ऐसे भी आप 5 खोजिए वो 85 दिखिए ना गया, हम तो देखने के लिए जल्दी बोले थे। चलिए इसको देखिए, 75 25 वर्ड सर, सी 75 ना सुनी था, सुनी तो आई अभी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चलने में पड़ेगा, बहुत बढ़िएगा, इधर ऊपर मत चले, इसको वापस आने के लिए मौका ना मिले, रिकॉर्ड हो रहा है सब, बोल रहा है।
चलिए सबको आ रहा है। अब ये वाला कंसेप्ट को पकड़े रहना है, ये हर चैप्टर में आपको आ सकता है, कहीं भी ये लगा सकता है, एज बढ़ाएंगे वहाँ भी यूज आ सकता है, एज वाले चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में, सब जगह मिल जाएगा, परसेंटेज में भी कहीं कहीं डाल देता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्या कह रहा है कि एक क्लास में 50 गो स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 50 केजी वाला चला जाता है, 50 गो विद्यार्थी था, अब 50 केजी वाला एक उसमें से, और उसके स्थान पर एक नया, जिससे क्लास का औसत आधा केजी। अब देखिए ये वाला लाइन यहाँ लिखता था, जितने सारे क्वेश्चन अभी बनाए वो यहाँ लिखता था, लेकिन इस बार उठा के थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आधा केजी बढ़ रहा है एक गो में, तो 50 गो में 25 केजी बढ़ेगा, 50 केजी लेके गया उधर से 25 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, तो 75 केजी। क्लियर है ना? चलिए इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि क्वेश्चन को देखिएगा आंसर, अब कुछ समय के बाद क्या आएगा ना, कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये देखिएगा अभी विद्यार्थी एक क्लास है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ये देखिएगा कि वजन 50 केजी जाने वाला और उसके बाद बढ़ने वाला कह रहा है कि आधा केजी बढ़ रहा है, नए विद्यार्थी का औसत 75। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि 45 गो व्यक्ति है, 45 गो स्टूडेंट है, व्यक्ति है, जो ले लीजिए 45 नंबर्स। अब क्या कह रहा है कि इसका औसत 1/9 वर्ष कम हो जाता है, 1/9 वर्ष। इसका मतलब हमको पता चल गया कि आने वाला जो है ना, जाने वाला से कम आया है, कम लेके आया है, यानी कि जाने वाला है 60 केजी का, तो आने वाला 60 केजी से कम का होगा, सब 60 केजी से कम का है कि नहीं। अगर 60 केजी से ज़्यादा एक भी ऑप्शन होता वो मेरा आंसर नहीं होता, ठीक है। वो कब काम करेगा, जब ये बहुत कैलकुलेटिव दे देगा, जैसे यहाँ पे लिख देगा 1.279, ठीक है, 9, और यहाँ 45 है, थोड़ा सा और टेढ़ा कर देता है, 146 कर देता है। अभी संभव है इसको इंटू करना है? जब इस टाइप का वो क्वेश्चन तैयार करेगा ना, तो ऑप्शन से ही आंसर करवा देता है, वो ऐसा हिंट देगा कि आप ऑप्शन देके बोल सकते हैं। और एक लड़का इसको क्या करेगा, उसको आता है, पूरा इंटू करेगा, क्या इसको इंटू करने में टाइम नहीं लगेगा, लगेगा, ध्यान रखिए सारी बात। तो देखिए 1/9 वर्ष कम हो जा रहा है एवरेज 45 में, तो 45 गुना 1/9, तो 9×5 45, 5 केजी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये वाला स्टेप हम माइंड में करेंगे और होगा, ये तो बहुत छोटा पार्ट है, 45 गुना 1/9, 9×5 45, 5। और ये 9×45 भी आपको नहीं बोलना, आपका माइंड जवाब दे देगा 5, 5 केजी कम गया, 60 केजी का आया, 5 केजी कम लेके। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। च,
चलिए इसको देखिए, आराम आराम से कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। एक स्कूल है, देख लीजिए हिमांशु बात मत कीजिए, एक स्कूल है उसमें 10 शिक्षक हैं। एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर होना, रिटायर होता ही है लोग, तो रिटायर होने वाला ऐसे भी आपको पता है कि उम्र ज़्यादा होता है, नहीं आर्मी लोग का उम्र कम में रिटायर करता है सबसे ज़्यादा, 16-17 साल पर लोग रिटायर कर जाता है, लेकिन टीचर का नौकरी हो गया चाहे और भी सारी है बिहार का हो गया सब 60-65 साल पर रिटायर करता है। तो कह रहा है क्या कि एक स्कूल है उसमें 10 टीचर है और उसमें से एक शिक्षक रिटायर, जैसे वो रिटायर बोला मेरे दिमाग में आया कि ज़्यादा उम्र का होगा, एक बात आना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कमे उम्र में रिटायर कर गया, अब कैसी जॉब है अब क्या पता, लेकिन शिक्षक है तो थोड़ा सा और भी अंदाजा मिल रहा है। और उसके स्थान पर एक नया 25 जवान आ गया है, ठीक है, तो गया होगा ज़्यादा लेके आया है कम लेके, गया ज़्यादा लेके आया कम लेके, तो एवरेज कम कर देगा ना, नहीं हम लोग में से एक इसमें से ज़्यादा उम्र वाला बाहर चला जाए और उसके जगह पर कम उम्र वाला लड़का आ जाए तो हम लोग को तो एवरेज को गिरा देगा, गिराएगा ना, तो वही कह रहा है कि 10 शिक्षक है उसमें से एक शिक्षक रिटायर होता है और उसके स्थान पर एकदम जवान 25 एक टीचर, तो अभी भी तो 10 टीचर न रहा, एक गया एक आ गया 10 बुरा, तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट उसका क्या हुआ कि शिक्षकों की औसत 3 कम तो होना ही था, यानी कि एक गो में 3 कम हो रहा है तो 10 में कौन होगा 30 कम होगा, तो जाने वाला इधर से 25 सॉरी जाने वाला का पता नहीं, जाने वाला का पता नहीं लेकिन आने वाला 25 लेके आया है, तो इतना समझ में आ रहा है कि ये गया है ज़्यादा लेके ना, इधर से गया तो ज़्यादा लेके है, तो आने वाला 25 और जाने वाला आने वाला से 30 ज़्यादा लेके आया है, गया है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये 3 कम हो जाने का मतलब क्या है कि 10 में 3 कम, 30 कम लेके आया है, 30 कम लेके, बाकी के इसमें सब जाता था लेके, आ इसमें 30 कम लेके आया है, तो आने वाला 25 आज जाने वाला 30 ज़्यादा लेके गया है, किससे आने वाला से, तो आने वाला 25 आज जाने वाला 30 और ज़्यादा, 25 और 30 55 के, समझिएगा इसको क्या है कि 10 शिक्षक था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
इसमें अब क्या हुआ कि एक इसमें से रिटायर कर रहा है, कितने का रिटायर किया हमें नहीं पता है, यही पता करना है। और इसके स्थान पर एकदम जवान, एकदम यंग टीचर एक आ जाता है 25 वर्षीय। तो इसके आने से एवरेज क्या हो गया, कम होगा। ऐसे भी लॉजिक आ रहा है कि गया होगा ज्यादा लेके, आया होगा कम लेके, तभी तो एवरेज कम हुआ। तो एवरेज कितना कम हो रहा है, 3। एगो में 3 कम हो रहा है तो 10 लोग में 30। यानी कि ये आया है ना, ये आया है 25 लेके, आज जाने वाला ज्यादा लेके गया होगा, कितना 30 ज्यादा लेके गया है। तो आने वाला 25, जाने वाला 30 ज्यादा, तो 25 और 30 55। ये 2015 आया होगा CHS में। आ रही है बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा परेशान करने के लिए आ गया। पेन मत चलेगा, ध्यान रखिए। भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना बोलना है। ये क्या किया, कैलकुलेशन में ले जाके फंसाया। ये नंबर ही देख के लग रहा है कि ये आपसे कैलकुलेशन चाहता था। नहीं, ये नंबर को आप देखिए तो जरा, नहीं लग रहा है, कहीं तो कहीं इनटू प्लस माइनस करना ही है, फंसाएगा टाइम लेने के। लेकिन हम लोग को टाइम नहीं देना है। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, एक क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट है, 40। टोटल स्टूडेंट है 40, उनकी औसत आयु यानी कि 40 विद्यार्थी 16 होगा, आया ना, होगा ना 40 का। लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं, उसमें आगे पीछे भी होगा, कोई 17 का, कोई 18 का, कोई 20 का, कोई 22 का, कोई 16 का भी हो। लेकिन जब वो एवरेज बोल देगा, एवरेज वर्ड लगा देगा, तो हम ये मान लेंगे कि सब 16 है, 40 16 16 है। अब क्या कर रहा है कि एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष से क्लास छोड़कर चला गया, और उसके स्थान पर एक नया, अगर ये 16 लेके जाता तो कोई दर्द देता नहीं, कोई दर्द नहीं हो, जाओ 16 तुम्हारा हिस्सा था, लेके चले जाओ। लेकिन ये कितना लेके चला गया, 17। तो ये परेशान कर दिया हम लोग को, एक ज्यादा लेके भागा, एक ही के कारण ज्यादा परेशान कर दिया, एक ज्यादा लेके चला गया। तो अब एक वो ज्यादा लेके चला गया, तो बाकी जो बचा हुआ, बाकी अभी भी 40 ही है, क्योंकि 40 था एक बाहर गया और उसके जगह पे एक आ गया, तो अभी भी तो 40 ही है। लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेके गया, एक। और एक वो एक्स्ट्रा लेके गया तो एवरेज तो कम होगा ही। तो कह रहा है कि अब एवरेज जो है, नया औसत ये दिया है 15.875। अच्छा, ये पहले एवरेज था 16, अब हो गया 15.875। ये है 16 केजी, बोलिए इसको, ये है 16 केजी, ये है 15 केजी 875 ग्राम। तो कितना ग्राम कम हो गया, 125 ग्राम, 25 ग्राम कम हो गया। किसके कारण कम हुआ, एक ये ज्यादा लेके चला गया था, नहीं,
अब ध्यान से देखिए, अब इसी लाइन को ये बाकी क्वेश्चन में कैसे बोलता था, देखिए क्या कहता था। ये वाला हम लाइन हटा दिए, ये लाइन हटा दिए, ये पिछला क्वेश्चन हम बना रहे हैं वही। कह रहा है कि एक क्लास में 40 विद्यार्थी था, ये भी लाइन हटा दिए, ये भी हटा दिए, ठीक है। एक क्लास है उसमें 40 विद्यार्थी है, उसका एवरेज जो है 0.125 कम हो जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन हम बना रहे हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या किया, दो तीन स्टेप में ब्रेक किया है। एक क्लास है 40 स्टूडेंट है, 1.125 एवरेज कम हो जा रहा है जब एक लड़का 17 केजी वाला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है, तो बताइए कि नए लड़के का आयु क्या। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना है का? अभी ऐसा ही क्वेश्चन तो बनाते आए हैं। तो एक लड़का में इतना कम हो रहा है, तो 40 लड़का में नहीं पता कर लेंगे कितना कम होगा, कितना कम हो। तो 40 गुना पॉइंट का 125 ग्राम, हम उसको ग्राम अभी कि है ईयर, लेकिन हम उसको ग्राम में किए, क्यों, क्योंकि इजी बना रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, अब इसको इनटू करना है, करना है ना। तो ये ग्राम हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो बाई का 1000 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कटेगा। अब देखिए, ये देखिए, चार गुना एक, ये 100 है ना, 125 है, तो 4 गुना 100 400, चार गुना 25 100, तो 401, और 500 में 100 से भाग दीजिएगा, तो 5 केजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5 केजी कम हो जाएगा। तो जाने वाला था 17 केजी का, तो आने वाला 5 केजी कम, कितना केजी का, 12 केजी। पूरा हम समझा रहे हैं। अब ये क्या किया, क्वेश्चन को दो तीन स्टेप में ब्रेक करवा लिया, लेकिन था वही चीज। ये अभी जो लाइन लिखे, ये तो क्वेश्चन किए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्लास में 40 गो स्टूडेंट था, उसकी औसत 16 केजी था। अब कह रहा है कि एक लड़का बाहर जा रहा है 17 वाला, उसके स्थान पर एक आ जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो औसत जो है 15.875 बढ़ नहीं जाता है, हो जाता है। यानी कि एवरेज कितना कम हुआ, पॉइंट का 125, यही ना कम हुआ। यही लाइन यहाँ पे लिखता था वो, लेकिन इस बार क्या किया, एक ये भी दे दिया एक्स्ट्रा, आ एक यहाँ भी दे दिया एक्स्ट्रा, लड़का डर गया, नहीं डरना नहीं। ये कितना ज़्यादा दिया है, 125 ग्राम, और कम दिया है, ये कम दिया है, ज़्यादा नहीं, कम दिया। कितने स्टूडेंट में, 40 गो में, तो इसमें 40 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे बाई का था। अब इसको आपको मन में करना है, इसको मन में करना है। अब देखिए ये जीरो से, तो ये जीरो मन में उड़ा ही देंगे। अब 125 से 4 से गुना कीजिएगा तो 500, 500 में 2 जीरो खत्म, यानी कि 5 केजी, 5 केजी क्या हो गया, कम। तो जाने वाला 17 केजी का, आने वाला 5 केजी कम, तो कितना केजी का हो जाएगा, 12 केजी। फिर से एक बार पुनः समझिएगा, छोड़ना नहीं इसको, बहुत फास्ट बनाना है। 40 लड़का था, एवरेज कितना था, 16। अब क्या कर रहा है, उसी में से एक बाहर जा रहा है और उसके स्थान पर एक आ रहा है, तो औसत जो है अब इतना वर्ष हो जाता है, तो औसत कम कितना हुआ, 125 ग्राम, या पॉइंट का 125 बोल सकते हैं। तो 40 लड़का में 125 कम हुआ, यानी कि 40 गुना 125, यानी कि कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 कम हो रहा है, 5, तो जाने वाला 17, आने वाला 5 कम, जाने वाला 17, आने वाला 5 कम, तो कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो कल इसको बना के आइएगा, अभी रीजनिंग है, 5 मिनट वेट कीजिए, रीजनिंग शुरू करते हैं हम।